ऐसे पीछे वाले गप्पे बंद करो, थोड़ा आ जाओ आगे। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सब सही रहा कल से? बिल्कुल सही रहा। Did you sleep well last night? Yes, we did. Everything okay? Yes. Everything is fine. Done with the breakfast? Yes. Done with the breakfast. Yes. Everything, no? Sunglasses? Yes. Sunscreen laga ke rakho. So today is going to be a long day. For that, we asked you to come on time, but thoda ho chuka hai late. So make sure we cover up that on the train now. Okay? Yes. So breaks, photographs will be given, time will be given for the photographs, but on the places where you can actually click beautiful pictures. So, बीच में टाइम वेस्ट नहीं करें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं शालमी, जो हमारा नेक्स्ट कैंप साइट होने वाला है और इसका डिस्टेंस रहने वाला है 10 किलोमीटर। तो आज का जो ट्रैक है वो कल के मुकाबले काफ़ी लंबा रहेगा। कल हमने 4 किलोमीटर का ट्रैक किया था, आज हम 10 किलोमीटर का ट्रैक करेंगे। और आज का जो पूरा ट्रेल है अप एंड डाउन टेरेन रहने वाला है। रास्ते में आएगा झंडी टॉप और साथ में रोहिणी बुग्याल। चलते आगे। देवरी ताल से निकलते ही काफ़ी स्टीप क्लाइंब करनी पड़ी हमें और अभी हमें आगे ऊपर चढ़ना है। तो आज की जो एलिवेशन रहने वाली है कैंप साइट की वो 7000 फीट की हाइट तक की एलिवेशन रहेगी। और रास्ते में आएगा झंडी टॉप और रोहिणी बुग्याल, जो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी इस वक्त हम लोग चढ़ाई चढ़ रहे हैं, फिर हमें वापस नीचे की तरफ उतरना है। दोस्तों आज मौसम बहुत ही बढ़िया है, कल की तरह अच्छी धूप निकली हुई है। तो आई होप कि आज का जो ट्रैक है वो काफी बढ़िया रहने वाला है। देखिए सामने कितना ब्राइट सूरज निकला हुआ है, तेज धूप आ रही है। रात के समय यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड थी, टेम्परेचर माइनस में था। देख ही सकते हैं चारों तरफ स्नोफॉल हुई पड़ी है, बर्फ के टीले और सब जगह स्नोफॉल जमी पड़ी है। इवन कि हमारे टेंटों में भी बर्फ जम गई थी, पानी बहुत ठंडा था। सुबह सुबह बड़ी मुश्किल होती है इतनी ठंड में, बट अभी इतनी अच्छी धूप निकली है तो थोड़ी बॉडी में गर्माहट आ रही है और मज़ा आ रहा है ट्रैक करने में। बस भगवान से प्रार्थना है कि मौसम ऐसा ही रखे जब तक हम लोग कैंप साइट में पहुँचे, ताकि हम इस ट्रैक को पूरी तरह से इंजॉय कर सके। हमारे साथ टोटल 20 लोग हैं। मेरे आगे चल रहे हैं अक्षय जी, पीछे अंकित भाई जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रैकर और गाइड है, जो कि इस पूरे ट्रैक को स्वीप करते हुए आगे की ओर हमारे साथ बढ़ रहे हैं। वो देखिए सामने माउंटेन रेंजेस कितने सुंदर और खूबसूरत लग रहे हैं। चलते दोस्तों आगे, आगे का नज़ारा शेयर करूंगा आप लोगों से। YHI में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और इंडिया हाइक्स में भीड़ ज़्यादा नहीं होती, मतलब मैक्सिमम 20-24 लोग होते हैं। और मैं जितनी बार भी गया हूँ तो उसमें पहले ग्रुप में देहरा बुग्याल में कुछ 7 लोग थे और दूसरे में 16 या 17 और ये 20, तो इतना ठीक रहता है। बाकी इंडिया हाइक्स बहुत ऑर्गेनाइज है, उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। दैट इज़ वेरी गुड, मतलब एक तरीके का एजुकेशनल एक्सपीरियंस रहता है इंडिया के साथ, जस्ट चेकिंग एक्सपीरियंस नहीं रहता। और वी गेट टू इंटरेक्ट, मतलब हमें बड़े अच्छे अच्छे लोगों से मिलने जुलने का मौका मिलता है। इंडिया हाइक्स में जो लोग आते हैं वो अलग अलग शहरों से बहुत ही बेहतरीन और ट्रैकिंग एंथुसियास्ट आते हैं, तो उनका एक पर्सपेक्टिव मिलता है जानने का। और दूसरे यहाँ के ट्रैक लीडर्स बहुत अच्छे हैं, ट्रैक लीडर्स जो गाइड जो है ना इंडिया हाइक्स जो चुनता है वो बहुत ही बढ़िया और एक्सपीरियंस गाइड्स और ट्रैक लीडर्स ही रखते हैं यहाँ पर, तो ये खास बात है इंडिया हाइक्स की। दोस्तों देखो यहाँ पर कितने अच्छे व्यूज मिल रहे हैं, वो देखिए यहाँ से कुछ माउंटेन पीक्स के नाम पता आपको? अच्छा ये पीछे जो वो दिख रहा है पीछे, हाँ हाँ ये तो 3 पिलर हो गए जो दिख रहे हैं, हाँ हाँ खंबा, अच्छा पीछे एक सिंगल दिख रहा है जनकुट, अच्छा ये मंदानक ट्विंस, मंदानक ट्विंस जी, कौन से ये पीछे ये
लेफ्ट हैंड साइड वाले। अच्छा, खर्च कुंड और लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा जाएंगे। अभिषेक, यो गौरव, निखिल, विभय, सॉरी दोस्तों, थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं झंडी टॉप, जहां से हमें यहां पर पूरे माउंटेन रेंजेस का बहुत ही सुंदर व्यूज देखने वाला है। ये देखिए, हम लोग क्लाइंब कर रहे हैं झंडी टॉप की ओर। लुक एट दिस, दोस्तों कंटिन्यूस चढ़ाई चढ़ रहे हैं। जब से हम लोग देवरिया ताल कैंपसाइट से निकले हैं, तब से कंटिन्यूस स्टीप क्लाइंब है और व्यूज तो बहुत ही शानदार देखने को मिल रहे हैं। सामने देखिए चंद्रशिला पीक दिख रहा है हमें रास्ते में, पूरे रास्ते चंद्रशिला पीक और शंखम्बा हमें पूरे रास्ते देखने को मिल रहा है। हवा बहुत ठंडी है बट ब्यूटीफुल है, मौसम अच्छा है, धूप तेज ठीक मेरे चेहरे पे पड़ रही है तो बॉडी में थोड़ी गर्माहट भी आ रही है, मज़ा आ रहा है। और देखिए रास्ता पूरा ट्रेल जो है ये शालमी तक पूरा ऐसा क्लियर ट्रेल बना हुआ है। अभी फिलहाल जो है हम लोग झंडी टॉप की ओर आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर में हम लोग पहुंच जाएंगे झंडी टॉप और मैं आपको वहां से अच्छे व्यूज शेयर करूंगा। आई होप यू विल आल्सो एंजॉय। देखिए दोस्तों पीछे नीचे की ओर सारी विलेज कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। अब थोड़ी देर में झंडी टॉप पहुंचने वाला हूं मैं। वो सामने लाल रंग का झंडा दिख रहा है ऊपर, वो है झंडी टॉप। यहां से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर होगा जहां हम पहुंचने वाले हैं बस अब थोड़ी देर में। तो नंदनवन वासुकी ताल, हाँ हाँ, फिर जो चौखंबा दिखता है इसका जो क्लाइंबिंग बेस है वहाँ बेस है। अच्छा, वो दिखता है वहाँ से बहुत सब, फिर बहुत सारी जगह है, डिपेंड करता है आपका प्लान। कितने दिनों का होता है वो? अगर आप तकरीबन तक जाते हैं कैसे होता है यार? अच्छा, डिपेंड करता है डायरेक्टली आप सीधे जा रही है। हाँ,
वो चीज वहाँ से ही आता था, 9 किलोमीटर हो जाता। अच्छा, तो दूसरे दिन 5 किलोमीटर। झंडी टॉप पहुँच चुके हम लोग, बस सामने ही दिख रहा है झंडी टॉप, जहाँ पर हमारे कुछ साथी ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। वो देखिए, काफ़ी स्टीप क्लाइंब है झंडी टॉप तक की, लगातार चढ़ाई चल रही है जब से हम लोग देवरिया ताल कैंप साइट से निकले हैं। दोस्तों, झंडी टॉप पहुंच चुका हूं मैं, और ये जो व्यूज देख रहे हो आप सामने आसपास के नज़ारे, ये सारे व्यूज झंडी टॉप से नज़र आते हैं। ये देखिए, हमारे इंडिया हाइक्स के सभी साथी भी झंडी टॉप पहुंच चुके हैं। अच्छा, अरे मुझे नहीं पता भाई, तुम कर लो फिर, मेरे तक नहीं पहुंचा। लो गाइस, लो गाइस, वेबर भी पहुंच चुका है, निखिल भी पहुंच चुका है, साथ में गौतम, संतरे के मजे ले रहे हैं ऑरेंज के झंडी टॉप में। और ये निशानी झंडी टॉप की, यहाँ पर एक झंडा लगा हुआ है, शायद इसीलिए इसको झंडी टॉप कहते हैं। काफी अच्छा व्यूज मिल रहा है यहाँ पर सारी विलेज का। और वो रहा पीक जहाँ पर हम जाने वाले हैं, चंद्रशिला पीक जो सामने नजर आ रहा है, और उसी पीक के बीच में कहीं तुंगना टेम्पल है जहां हम जाएंगे परसों। तो आज का जो हमारा रूट है वो शैलमी तक है, शैलमी के बाद हम लोग चंद्रशिला पीक की ओर बढ़ेंगे। कल हम लोग पहुंचेंगे बनियाकुंड, और बनियाकुंड के बाद फिर हम लोग तुंगना टेम्पल के बाद पीक समिट करने जाएंगे। सामने देखिए चंद्रशिला पीक, खूबसूरत लग रही है, सूरज ठीक ऊपर है चंद्रशिला पीक के, और इस चारों तरफ जितने गांव और पहाड़ हैं इन सबको रोशनी प्रदान कर रहा है। जो हमारा साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया वो सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था साउथ इंडिया, वहां से अलग हो गए धीरे 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 धीरे, वो एशिया महाद्वीप पे मिलने आया था। लेकिन जो साउथ इंडिया और एशिया महाद्वीप है उसके बीच में एक 33 महासागर, और उसी 33 महासागर में जो टेक्टोनिक प्लेटें होती है, एक साउथ इंडिया की जो टेक्टोनिक प्लेट है और एशिया महाद्वीप की जो टेक्टोनिक प्लेट है, उन दोनों के अंदर भीषण वो घर्षण के कारण जो उभार आया है वही माउंटेन के रूप में एक तरह से शुरुआत हुई है। माउंटेन जो आपका एवरेस्ट है उसमें 33 महासागर के भी अवशेष मिलते हैं एवरेस्ट पे, 33 महासागर। उसके बाद 33। हाँ, उसके बाद जो आपके जो ये माउंटेन जब बिल्डअप हुए हैं टेक्टोनिक प्लेटों के घर्षण से, तो जो माउंटेन के भी एक स्टेप बाय स्टेप और रेंजेस जो होते हैं उनके स्टेप बाय स्टेप रहते हैं। पहला जो स्टेप है वो है आपका शिवालिक स्टेप। शिवालिक होता है आपका 2400 मीटर, उसका एल्टीट्यूड होता है 2400 मीटर एल्टीट्यूड, जिसपे अभी हम ट्रैक कर रहे हैं, ये एक शिवालिक रेंज है जिसपे हम ट्रैक कर रहे हैं अभी। और उसके बाद आता है दूसरा आपका लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय या हिमाचल, ये उसके मिडिल हिमालय के नाम है। ये इसका एल्टीट्यूड आता है 4000 मीटर, 4000 मीटर समथिंग लगा लो आप, ब्लैक माउंटेन के थोड़ा ऊपर ट्रैक कर रहे हो, वो है आपका मिडिल हिमालय। और लास्ट में आता है आपका ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री, जिसका एल्टीट्यूड है 6000 मीटर। जो आपका चौखंबा है वो आता है आपका ग्रेटर हिमालय में 6000 मीटर। हाँ, ये पहली रेंज है आपका शिवालिक जिसपे हम ट्रैक कर रहे हैं अभी। अगर कोई पूछेगा तो किस पे ट्रैक करें, हम शिवालिक रेंज, और इसका एल्टीट्यूड होता है 2400 मीटर। दूसरा जो रेंज आती है वो है आपका लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय, उसका एल्टीट्यूड आता है आपका 4000 मीटर। और तीसरा जो ये है हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय,
उसका जो एल्टीट्यूड आता है वो 6000 मीटर, उससे ऊपर का भी लगभग उससे ऊपर जो 10,000 या उससे और ऊपर अभी हुए नहीं उतने माउंटेन, अगर होंगे तो वो उसको या तो डेथ जोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि 8,000 मीटर 8,848 मीटर एवरेस्ट की ऊंचाई है, जो वर्ल्ड हाईएस्ट वो है पीक माउंटेन। ये है आपका माउंटेन रेंज के बारे में, जो माउंटेन रेंज रेंजेस है शुरुआत कैसे हुई है, जो साउथ इंडिया और एशिया महाद्वीप पे कैसे मिला है, और जो बीच में जो महासागर था 33 ये भी हमेशा याद रखना 33 महासागर, उसके जो अवशेष हैं वो एवरेस्ट पे ही पाए जाते हैं, एवरेस्ट के टॉप पर भी मिले हैं, उसके जो एवरेस्ट के जहाँ जहाँ उसकी वो दिखती है ना मिट्टी, वहाँ वहाँ भी मिले हैं वो महासागर के अवशेष। दोस्तों झंडी टॉप में थोड़ा समय बिताने के बाद और पंकज जी से हिमालयन रेंजेस की कहानियाँ सुनने के बाद हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अगला जो पड़ाव है वो कौन सा आने वाला है? रोहिणी बुग्याल। ओके, तो जो नेक्स्ट पड़ाव जो हमारा आने वाला है वो है रोहिणी बुग्याल। यहाँ से थोड़ी देर हमें ट्रैक करना है, फिर हम पहुँचेंगे रोहिणी बुग्याल। चलते हैं रोहिणी बुग्याल की ओर। हाँ हाँ, चलो चलो आगे चलो आगे चलो 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 देखिए सारी विलेज यहाँ से नजर आ रहा है, और अभी हम जंगल वाले रास्ते से होते हुए जा रहे हैं रोहिणी बुग्याल की ओर। इन पहाड़ों पे चारों तरफ बर्फ के छोटे छोटे पैचेस बने हुए हैं जिनके थ्रू हमें होके गुजरना पड़ रहा है, हवा ठंडी है अभी बहुत। अब दोस्तों हम लोग झंडी टॉप से नीचे की तरफ उतर रहे हैं रोहिणी बुग्याल की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। रास्ता देखिए पूरा जंगल वाला आ चुका है। अब नीचे काफी सारे ट्रैकर्स पहुंच चुके हैं हमारे, पुराने पुराने यहाँ पर पेड़ पौधे और काफी सारी पत्तियां इन जमीनों पे गिरी हुई है, और सूरज की धूप इन पेड़ों से छन छन के नीचे की ओर आ रही है, और बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पर ट्रैक करना। ये देखिए दोस्तों रास्ता कितना जबरदस्त है यहाँ का रोहिणी बुग्याल का, जाने वाला जो रास्ता है झंडी टॉप के बाद आपको इस तरह का रास्ता देखने को मिलेगा, पूरा जंगल उबड़ खाबड़ रास्ता। अभी हम नीचे की ओर जा रहे हैं, पहले हमने काफ़ी एल्टीट्यूड क्लाइंब किया, अब हम धीरे धीरे लोअर एल्टीट्यूड की ओर अग्रसर हो रहे हैं, धीरे धीरे माटू माटू हम आगे बढ़ रहे हैं।
विनी बुग्याल की ओर बढ़ रहे हैं आगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो हमारा कैंप साइट होने वाला है वो शैलमी है, तो रोहिणी बुग्याल के बाद ही शैलमी आएगा। और अभी थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग इस पड़ाव पे आए हैं जहाँ से बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है। मौसम अब तक बहुत साफ दे रहा है हमारा, बहुत ही सुहाना अच्छा प्लेजेंट क्लाइमेट है और ट्रैकिंग करने में बहुत मज़ा आ रहा है आज। सही बता रहा हूँ मैं, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है इन पहाड़ों में ट्रैक करके। ठंडी ठंडी एकदम प्यारी प्लेजेंट हवा चल रही है और ये एरिया देखिए कैंपिंग करने के लिए बहुत शानदार एरिया है। बट यहाँ पर कैंपिंग करना अलाउड नहीं है क्योंकि आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी और मैक्सिमम केसेस में वो अलाउ नहीं करते इन जगहों में कैंपिंग करना। काफ़ी बर्फ़ वाला रास्ता आया है अभी, अभी भी हम लोग रोहिणी बुग्याल पहुँचे नहीं हैं। लगातार चल रहे जब से हम लोग निकले हैं देवरिया ताल बेस कैंप से, नॉट बेस कैंप, कैंप साइट से, और ये रास्ता जा रहा है रोहिणी बुग्याल। अभी भी हम जंगल वाले रास्ते से गुजर रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, सुपर, गौरव, आशुतोष, हाय लोनी, हाय इंदर, हेलो गौतम, अंकित भाई, शाबाश। In the forest, whenever any animal is hunting, scavenger is silently looking from the top. He is very silent. Scavenger kabhi pata nahi chalne deta ki there is a scavenger in this area. So, for that you need to be very observant. So we'll be doing a scavenger hunt. So we'll be walking silently. Koi kuch nahi bolega. माटू माटू चलते रहो दोस्तों।
अभी दोस्तों काफी घने फॉरेस्ट के थ्रू हम गुजर रहे हैं इस वक्त। ये रास्ता जाता है रोहिणी बुग्याल की ओर, बट रोहिणी बुग्याल पहुंचने के पहले हमें इस तरह के घने फॉरेस्ट के थ्रू गुजरना पड़ता है। और यहाँ पर काफ़ी सारी बर्फ़ जमी हुई है चारों तरफ, ये देखिए बहुत ही शानदार फॉरेस्ट है ये, चारों तरफ शांति है, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं और जगह जगह बर्फ़ गिरी हुई है। इन फॉरेस्ट में कई सारे जंगली जानवर भी होंगे, इसलिए हम चुपचाप साइलेंटली यहाँ वॉक कर रहे हैं। इस तरह साइलेंटली वॉक करने को कहते हैं स्कैवेंजर वॉक। तो आपका गेटर कुछ इस तरीके से आपके पाँव के ऐसे ऐसे घूम के आएगा, पर ऐसे खड़े खड़े नहीं लगा सकते, आप ऐसे बैठो एक बार और उस तरीके से ये वाला लूप आप पीछे से यहाँ ले आ सकते हो इस तरीके से, और एक इस पर भी होगा इस तरीके का, तो आप इसको लगा सकते हैं अपने इस जूते पे। पंकज आप करो ले, मैं करता हूँ ना आगे। ओके आप मेरे पीछे मुझे फॉलो। शाबाश गाइस, वेरी गुड। चारों तरफ दोस्तों बर्फ ही बर्फ है इस वक्त, और हम लोग अब आखिरी एसेंट रोहिणी बुग्याल की ओर चढ़ने वाले हैं। रोहिणी बुग्याल अभी भी आगे है ना, रोहिणी बुग्याल अभी भी थोड़ा सा और आगे है, हमें एक और एसेंट क्लाइंब करना है, उसके बाद फिर आएगा डिसेंट और फिर रोहिणी बुग्याल और फिर आएगा हमारा कैंप साइट जो कि जंगल के बीच में, पहाड़ों के बीच में कहीं हिडन है, दिखेगा नहीं।
आखिरी 5 मिनट जब बच जाएंगे तब हमें अपना शेरमी का कैंप साइट दिखने वाला है। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे, इस बर्फ के मैदान को क्रॉस करते हैं। ये देखिए शेप जो पहाड़ है। क्या हुआ?
दोस्तों अब हमारा आज का आधा सफर कंप्लीट हो चुका है। हम शैलमी कैंप साइट की ओर बढ़ रहे हैं और थोड़ी देर में अब रोहिणी बुग्याल आने वाला है। आपने देखा रास्ता कितना सुंदर था, ये जंगल भरा रास्ता हमने पूरा कवर करते हुए हम अब तक आए हैं और इस रास्तों में पूरी बर्फ़ की चादर बिछी हुई है। इन जंगलों में इस बर्फ़ की चादर के ऊपर धीरे धीरे हौले हौले संभल संभल के पाँव रखते रखते हम अब पहुँचे हैं रोहिणी बुग्याल की तरफ। बस इस थोड़ी दूर हम और क्रॉस करेंगे, उसके बाद रोहिणी बुग्याल शुरू हो जाएगा। चलिए चलते रोहिणी बुग्याल की ओर। देखिए थोड़ी देर में रोहिणी बुग्याल शुरू हो जाएगा। यहाँ से चालू हो गया रोहिणी बुग्याल। हाँ अच्छा, तो दोस्तों रोहिणी बुग्याल अब शुरू हो चुका है, जंगल अब थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएंगे और बुग्याल शुरू हो जाएंगे। अब ये देखिए इंडिया हाइक के सारे ट्रैकर्स अब धीरे धीरे रोहिणी बुग्याल की ओर बढ़ रहे हैं और हमारा जो आज का सफ़र है ऑलमोस्ट आधा कम्प्लीट हो चुका है। दोपहर हो चुकी है और थोड़ी देर में हम लंच करेंगे। लंच करने के बाद रोहिणी बुग्याल के बाद फिर हम सीधे निकलेंगे शैलमी कैंप साइट और फिर आगे कल का सफ़र करेंगे। ये देखिए हमारे ट्रैकर्स कितने सुंदर लग रहे हैं चलते हुए एक कतार में सारे इस रोहिणी बुग्याल के फॉरेस्ट के थ्रू जाते हुए। बहुत ही खूबसूरत डिसिप्लिन इंडिया हाइक के सारे ट्रैकर्स मेकिंग अस प्राउड। पहुंच चुका हूं मैं रोहिणी बुग्याल और ये देखिए यहां से व्यूज रोहिणी बुग्याल के क्या ब्यूटीफुल नजर आ रहे हैं। ये फर्स्ट दिस इज रोहिणी बुग्याल है ब्यूटीफुल इट गोस टिल ब्लैक माउंटेन। वो सामने ब्लैक माउंटेन की रेंज है ना। हां इट गोस टिल देयर। अच्छा बहुत लंबा है। दोस्तों ये जो रोहिणी बुग्याल आप का जो स्ट्रेस देख रहे हो सामने ब्लैक माउंटेन तक ये लंबा खींचा चल जाता है रोहिणी बुग्याल। 3-4 किलोमीटर फ्रॉम हियर इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। इससे बड़े आगे तो और बड़ा। अच्छा 3-4 किलोमीटर तक लंबा है ये रोहिणी बुग्याल। बहुत ही सुंदर जगह है। अब यहाँ लंच करेंगे हम लोग और उसके बाद निकलेंगे ब्लैक माउंटेन। ये बिसुडी। अच्छा ये सामने राइट हैंड साइड में जो आप देख रहे हो वो है ब्लैक माउंटेन और लेफ्ट हैंड साइड में जो डोम शेप में बना हुआ है ये है बिसुडी माउंटेन डोम। बिसुडी माउंटेन बोलते हैं इसको। होता है ये पूरा यहाँ पे आता है पहले। अच्छा स्नोफॉल आने के बाद बहुत जबरदस्त ब्यूटीफुल एरिया ये। वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ तो कैंप भी कर सकते हैं। कैंपिंग पहले कैंपिंग होता था बट सिंस कैंपिंग इज स्टॉप्ड इन बुग्याल। अच्छा यहाँ पे नहीं करते पहले दिस वाज सपोज्ड टू बी द कैंप। अच्छा तो दोस्तों अक्षय जी बता रहे कि पहले यहाँ पर कैंपिंग हुआ करती थी बट बुग्याल में यहाँ पर उत्तराखंड में कैंपिंग बैन कर दी गई है। इसी कारण अब हम यहाँ कैंपिंग नहीं कर पाते। अब इंडिया हाइक्स की जो कैंप लगती है वो शामली है ना। शालमी सॉरी कंफ्यूजन हो जाती है। शालमी जो नाम है कैंप साइट का वहाँ पर अब कैंप लगाया जाता है। पहले यहाँ लगाया जाता था। चलिए दोस्तों अब रेस्ट करता हूँ लंच करता हूँ आपसे मिलता हूँ बाद में थोड़ी देर में। दोस्तों ट्रैक हमारा लंच अभी कम्प्लीट हो चुका है और हमने थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर लिया है। अब थोड़ी देर में हम पंकज जी से रोहिणी बुग्याल की एक सुंदर सी कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे। कहाँ निकलेंगे? शैलमी कैंप साइट जो है उसकी ओर निकलेंगे। आधा सफर हमारा कंप्लीट हो चुका है जैसे कि मैंने पहले बताया। आधा और बचा है। इस वक्त दोपहर के हो रहे हैं 3। धूप एकदम तेज है। सूरज एकदम सर के ऊपर ठीक हमारे चेहरे पे तेज रोशनी मार रहा है और मौसम अभी भी बहुत अच्छा है। पूरे रास्ते मौसम ने हमारा काफी अच्छा साथ दिया है। ये देखिए लोग आज कितने खुश है इतने अच्छे मौसम में ट्रैक करके। और आज जाने वाले हैं शैलमी। लंच इन्होंने भी कर लिया है। अब एनर्जाइज हो चुके हैं बस कहानी सुनने का वेट कर रहे हैं और पंकज जी अभी रेडी हो रहे हैं कहानी सुनाने के लिए। चलिए कहानी सुनते हैं पंकज जी की जुबानी। फॉरेस्ट गॉड। तो पंकज जी अभी हमें बताने वाले हैं कि ये जगह जो है रोहिणी बुग्याल इसका नाम रोहिणी क्यों रखा गया है। ठीक है राजाओं की टाइम की कहानी। एक राजा दक्ष हुआ करते थे। राजा दक्ष उनके 12 पुत्री थी उनमें से एक पुत्री का नाम था रोहिणी। और रोहिणी के साथ जो चांद है
उसकी लव मैरिज हो गई थी एक तरह से, चांद और रोहिणी के लव मैरिज यानी आपस में ही प्यार प्रेम का वो विदाउट अपने माता पिताजी के मतलब परमिशन लेके विदाउट वो चीज़ हो रही थी। काफ़ी टाइम था जब उनका लव मैरिज चलता रहा तो एक टाइम दक्ष को भी खुद वो मतलब दक्ष को जब पता चला कि मेरी बेटी तो चांद के लिए मतलब चांद के लिए ही सब कुछ है एक तरीके से लव मैरिज उनका चल रहा, तो दक्ष ने भी गुस्से में होके जो चांद है उसको एक श्राप दिया था, वो आज तक भी फॉलो होता है कि जो चांद है उसका आकार में हमेशा छोटा 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 होता जाएगा हमेशा, और वो आज तक भी होता है चांद छोटा छोटा छोटा। ये रहा जो उसकी वो वाली थी, फिर वो यहाँ आके जो इस एरियाज में आके उनकी रोनी और चांद की अब वो हुई थी शादी, लेकिन वो शादी चली नहीं थी, रोनी और उसकी शादी हुई थी काफ़ी टाइम बाद, वो कुछ टाइम बाद वो शादी चली नहीं थी। तो जो रोहिणी थी उसने यहाँ आके आत्मदाह किया था, तो आत्मदाह मीन्स जो योग बल से आत्मदाह होता है ना, योग बल से, उस टाइम योग बल भी होता था, योग बल का जैसे आह्वान किया जाए तो एक अग्नि निकलती थी इंसान को समाप्त कर देती उस योग बल से, तो इसीलिए इसका नाम उस टाइम से रोहिणी रखा गया था, रोहिणी। और एक चीज जो चंद्रमा है, चंद्रमा ने हमारे जो ऊपर समिट है हमारा चंद्रशिला इसलिए है क्योंकि चंद्र ने वहाँ पे तपस्या की थी, उसकी हल्की सी कहानी लगा देता हूँ। उसकी कहानी है जब गणेश प्रथम पूज्य होने के बाद, प्रथम पूज्य क्योंकि एक उन्होंने वो की थी अपने माता पिताजी के चक्कर लगाए थे, उनके लिए अपने माता पिताजी पूरा संसार था, तो उनको प्रथम पूज्य बना के वो अपने वाहन जो मूसक है उनके साथ निकलते हैं टहलने के लिए। तो जो चांद है वो उनको देख के और उनके चेहरे और उनकी बनावट को देख के हंसता है, मतलब एक तरह से उन पर हंस जाता है काफ़ी वो, तो एक बार तो इग्नोर करते हैं गणेश जी, फिर दूसरी बार इग्नोर करते हैं, तीसरी बार गणेश जी उठ के चांद को श्राप देते हैं कि जो अपनी तू अपनी खूबसूरती पे इतना घमंड, मतलब एक तरीके से तुम्हें अपनी खूबसूरती, अपना चेहरा बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारा चेहरा ब्लैक यानी काले जो अमावस्या होती है ना, अमावस्या रात वो चांद की वही जो गणेश ने चांद को क्षय रोग, जिसे क्षय रोग बोलते हैं क्योंकि जो चांद होता है वो एकदम सुंदर, बहुत सुंदर चांद एकदम सुंदर होता है, तो उस पर उनको गणेश जी ने वो दिया था शाप कि भाई तुम क्षय रोग के हिसाब से होते रहोगे। लेकिन उस टाइम वो क्षय रोग बहुत प्रचलित हो गया था क्योंकि जो चांद है वो काफ़ी काले हो चुके थे, काले मीन्स अमावस्या की जो रात होती है ना वो रात होती है चांद की क्षय रोग जो गणेश ने दिया है वो उस टाइम होता है। तो जब जो चांद है वो जब परेशान हो चुके थे तो उन्होंने शिव के पास, जो उनके पिताजी हैं उनके पास गए कि आपके बेटे ने मुझे शाप दिया है, तो प्लीज़ आप अपने बेटे को बोलिए कि अपना शाप या कुछ इस तरीके से। तो शिव ने कहा कि शाप तो कभी भी वापस नहीं हो सकते हैं, आप ये कर सकते हो कि आप गणेश को अपनी तपस्या से प्रसन्न कीजिए ताकि गणेश आपको इस क्षय रोग से मुक्त कर सके। लेकिन काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद भले क्षय रोग से मुक्त हुए हैं पर एक दिन ऐसा आता है, हमेशा एक दिन ऐसा आता है जो अमावस्या की जो रात आती है उस दिन क्षय रोग का इफेक्ट होता है चांद पे। जब चांद ने चंद्रशिला में आके तपस्या की थी काफ़ी सालों तक, काफ़ी वर्षों तक, उसके बाद गणेश प्रसन्न होकर उनके सामने आए तो उन्होंने कहा क्षय रोग तो उनका तो मिटेगा लेकिन वो एक दिन का जो क्षय रोग है वो हमेशा बरकरार रहेगा क्योंकि उन्होंने हंसे थे वो उन पे, वो भी प्रथम पूज्य गणेश पे, जब भी कुछ काम होता है उनसे पहले गणेश का नाम लिया जाता है चाहे कोई भी काम हो वो। तो ये है चंद्रशिला की और रोहिणी की कहानी। दोस्तों अब रोहिणी बुग्याल से चलने का समय आ गया है, ये जो रास्ता देख रहे हो सामने इस रास्ते से होकर के हमें जाना है शालमी, ओके, इसी पहाड़ी के पीछे चढ़ना हमें शालमी की ओर जाना है, चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। धूप बहुत तेज है दोस्तों, इसलिए ऐसी जगहों में चश्मा पहनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आंखों में धूप इतनी तेज़ लग रही है रिफ्लेक्शन के कारण, क्योंकि अगर ऐसी जगहों में आप चश्मा नहीं पहनोगे तो स्नो ब्लाइंडनेस होने का पूरा खतरा मंडराता रहता है, तो इसलिए जब भी आप स्नो ट्रैक विंटर ट्रैक करने के लिए आओ एक अच्छा गॉगल ज़रूर लेकर के आओ, और वैसे तो कैप भी होनी चाहिए, मैंने कैप नहीं पहनी है, लेकिन थोड़ी देर में हम
आगे पहुंच जाएंगे तो धूप थोड़ी कम हो जाएगी। बहुत ही ज्यादा तेज धूप है दोस्तों और ये स्नो भी काफी गहरी है। कल करीब करीब 2 फीट की ये स्नो होगी जिसमें हम चढ़ के जा रहे हैं सैलमी की ओर। ये देखिए कितने सुंदर व्यूज लग रहे हैं इन स्नो कवर्ड माउंटेन्स के। ऐसा लग रहा है कि पूरी बर्फ की चादर चारों तरफ बिछी हुई है। बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा है। थकान तो हो ही रही है लेकिन मज़ा भी आ रहा है। Look at the mountain ranges. I'm completely surrounded with Himalayan range right now. Beautiful. अब इस सेक्शन में धूप कम है तो यहाँ ठंड लग रही है। करने के बाद हम लोग वापस जंगल वाले सेक्शन में एंटर कर चुके हैं। देखिए अभी काफी चढ़ाई बाकी है। इसके बाद ये लास्ट एसेंट है, उसके बाद फिर डिसेंट ही डिसेंट है और डायरेक्टली सैलमी कैंप साइट की ओर हम जाएंगे। उसके बाद कई जगह में स्नो काफी स्लिपरी है क्योंकि वो हार्ड हो चुकी है, इसलिए बड़ा ध्यान से कदम रखना पड़ रहा है स्नो को जज करके। दोस्तों हम लोग जिस जगह में खड़े हैं वो आज के हमारे ट्रैकिंग डे का हाईएस्ट स्पॉट है, विच इज़ एट द हाइट ऑफ 9000, मोर देन 9000 फीट। और रोहिणी बुग्याल हमने लगभग क्रॉस कर लिया है। ओके दोस्तों, अब हम जिस सेक्शन में आ चुके हैं इस साइड में बर्फ़ थोड़ी कम मिलेगी हमें तो हम आसानी से जल्दी रास्ता कवर कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग नीचे की ओर उतर रहे हैं। अब ये आखिरी डिसेंट है, इसके बाद हमारा कैंप साइट आ जाएगा। काफी स्टीप डिसेंट है ये, काफी लंबा डिसेंट है। अब तक 45 मिनट्स हो चुके हैं नीचे उतरते हुए और लगातार स्टीप डाउन स्टेयर्स हम लोग नीचे की ओर उतर रहे हैं। घुटने तो अब जवाब दे रहे हैं काफ़ी, क्योंकि नीचे उतरना जो है ऊपर चढ़ने के मुताबिक ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि सारा वेट आपके कंधे का जो वेट होता है, बॉडी का वेट,
घुटनों पे आता है और बहुत जोर देना पड़ता है, तो आपको धीरे धीरे रेस्ट लेकर के उतरना चाहिए। और पत्थर भी यहाँ पर बहुत है, अगर कहीं बाई चांस अगर पाँव अगर डिसबैलेंस हो गया तो चोट लगने का भी बहुत डर रहता है। आगे एक छोटा सा बुग्याल जैसा एक जगह है, वहाँ चलते हैं और वहाँ थोड़ा रेस्ट करते हैं। पहुँचने वाले हम लोग, काफ़ी लोग तो पहुँच चुके हैं, मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ भीड़ भाड़ से दूर। हम लोग शालमी कैंप साइट की ओर, जो कि 7700 फीट की हाइट पे है, और यहाँ रेस्ट कर लिया हमने। नाउ लेट्स मूव अहेड। शालमी की ओर जाता है सीधा, अभी हमें फिर वापस नीचे उतरना है आगे से राइट। दोस्तों अब पहुंच चुके हैं हम लोग शालमी कैंप साइट। यहाँ पर हमारे हिलमैन के जो पीले पीले टेंट्स है वो साफ नजर आ रहे हैं यहाँ इस डिस्टेंस से। अच्छी लोकेशन में है ये कैंप साइट। बस दोस्तों अब पहुंच गए हम लोग शालमी कैंप साइट, जिसका कब से इंतजार था। 10 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद अब जाके शाम को पहुंचे। सुबह निकले थे करीब 8:30 बजे और अब पहुंच बज चुके होंगे 5। और ये रहा शालमी कैंप साइट का फर्स्ट व्यू। ओके, थकान भी हो रही है, प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है। ये देखिए, ये है शालमी कैंप साइट का टेंट्स। कौन से टेंट खाली है यार? टेंट पे मत जाइए, यहाँ पे एक मिनट सब लोग असेंबल हो जाइए। बैग तो रख देना, बैग रख दो। सो वी हैव टू कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग सो दैट यू कैंप सेफली। सो इसे कैंप साइट डिजाइन की है। एंड वन मोर थिंग, दीज आर द हिलमैन टेंट्स। You'll be staying in these tents. So, इसका एक डेमो देंगे आपको, कैसे रहते हैं, क्या जिप कैसे खोलना है, एंड उसके पीछे जो है वो हमारा। ओके, पर कैंप में दो बंदे रहेंगे, दो बंदे पर कैंप में। मेक श्योर कैंप के अंदर जूते ना जाएं, जो कैंप के बाहर पे हैं वहाँ पे आप जूते रखते हैं, कैंप के बाहर पे जूते रखने के लिए है। लेकिन जूते ऐसे नहीं कि आपने बाहर रख दिए कैंप के बाहर, बिल्कुल बाहर, वो अगर बिल्कुल बाहर रख दिए तो एक सियार सुना है, सियार नाम का एक वो रहता है, वो आपका जूता मतलब लेकर भाग सकता है। तो और जहाँ से आपका ये वाला एरिया, जहाँ से ये वाला तो आपका ठंडा पानी वाला है, और गर्म पानी के लिए वहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से जाना है टॉयलेट के लिए, ऊपर है वहाँ पर। ये देखिए, ये है शालमी कैंप साइट, 7710 फीट, 2350 meters। ये फूड वेस्ट, फूड वेस्ट का आपको पता ही है, फूड वेस्ट में जैसे जो पिकल के अंदर जैसे आम की गुठली होती है ना काटी हुई, वो हम बाइट नहीं करते, तो वो हमारा फूड वेस्ट है। तो ये वाला जो बाहर से लगा होता है, ये वाला देखना कि आप कैसे लगा रहे हो इसको, एक बार इसको पकड़ना और जिप किस तरीके से खींच सकते हो आप, इस तरीके से इसको पकड़ के। अगर मैं इसको बिना पकड़े खींचूंगा तो ये यहाँ फंसेगी, उलझेगी और जिप नहीं लगेगी। ये तो वहाँ बार का खोलने के बाद अंदर का ये रहा आपका खजाना, यहाँ है जिप, इसको खोलना है बड़े प्यार से, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसे खींच रहे हो एक जगह से पकड़ो और एक जगह से खोलो इसको प्यार से, ये वाला इस तरीके से। और यहाँ आपको दो स्लिम बैग है, दो बंदे रहेंगे इसके अंदर, पर कैंप के अंदर 2 पीपल। और आपके लाइनर और ये आपका स्लीपिंग बैग है, जो देवताल में दिखाया गया था, जो आपको डेमो दिया गया था, ठीक है। आज और एक गया ना।